COVID-19 is an infectious disease caused by a new coronavirus introduced to humans for the first time. It is spread from person to person, mainly through the droplets produced when an infected person speaks, coughs, or sneezes. These droplets can land in the mouths or noses of people who are nearby. These droplets are too heavy to travel far in the air. They only travel approximately 1 meter and quickly settle on surfaces. This is the reason person-to-person spread is happening mainly between close contacts. The exact time that the virus can survive on surfaces is not yet known. So it is wise to clean surfaces regularly, particularly in the vicinity of people infected with COVID-19. Hands touch many surfaces, which can be contaminated with the virus. You should therefore avoid touching your eyes, nose, or mouth, since contaminated hands can transfer the virus from the surface to yourself. When coughing or sneezing, cover your mouth and nose with the bend of your elbow or use a disposable tissue. If a tissue is used, discard it immediately into a closed bin. The most effective way to prevent the spread of the new coronavirus is to clean your hands frequently with an alcohol-based hand rub or soap and water. This will eliminate the virus if it is on your hands. Stay healthy and prevent the spread of COVID-19. वेलकम टू एसकेपी वर्ल्ड। मैं बसीर आप सबका स्वागत करता हूं प्रैक्टिकल वीडियोस के स्टडी के साथ में। मेरे पास ये एक बोर्ड है LSE 701P का, देख सकते हैं यहाँ पर LSE 701P बोर्ड का पार्ट नंबर यहाँ आपको मेंशन दिख रहा है LSE 701P। ऑलमोस्टली ये आपका फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन के रिगार्डिंग का बोर्ड है। इसकी जनरेशन्स की तो पता इसके CPU से लगती है, क्योंकि इस बोर्ड पर आपको फोर्थ प्लस फिफ्थ दोनों जनरेशन्स की हैसवेल ब्रॉडवेल दोनों की बोर्ड आती है, ठीक है। सो इसमें ये देखेंगे, इस पे आइए देखते हैं कि इस पे इशू क्या है। ये मैं इस पे अडेप्टर लगा चुका हूँ और मैं इस पे पावर देता हूँ। आप जो हमारी DC की रीडिंग है इस पे आप देख सकते हैं 0.00009, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब ये आ गया 0.002 को, यानी कि ये जो बोर्ड है ये DSW डीप स्लीप वेल को बिलोंग्स करता है, यानी कि ये बोर्ड जो है हमारा डीप स्लीप वेल की मेथड पे वर्कआउट करता है। सो इसने पहले क्या है आपको 0.009 एंड देन वापस वंस अगेन बैक। अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको लीड लाइट जलता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये एक तरीके से आपको दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपकी जो लो ड्रॉप आउट है, LDO है जो 3.3 वोल्ट की इस बोर्ड में, एंड जो 19 वोल्ट है वो कहीं ना कहीं आपको दर्शाता है कि इट इज़ ओके। और ये मतलब 0.009 एंड वन सेकेंड बैक टू 0.002, इसका मतलब ये भी ये बता रहा है कि इसका स्टैंड बाई सेक्शंस में भी ओके, लेकिन हमें इसकी कन्फर्मेशंस मीटर्स के जरिए या DOC की मदद से करनी पड़ेगी। तो पहले चलते हैं, देखते हैं कि इसमें आपको विन पास हो रही है कि नहीं हो रही है। और जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये बोर्ड को जब मैं ट्रिगर करता हूँ, हम आगे की तरफ रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूंगा कि ये बोर्ड का इशू क्या है। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं मल्टीमीटर को, अगर आप देखेंगे, अगर आप मल्टीमीटर को मार करेंगे, यहाँ पर आपको जो है स्विच है, पावर स्विच। अगर मैं इसको जूम करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पावर स्विच है ये। यहाँ पर अगर मैं टच करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर मल्टीमीटर से टच करता हूँ तो आप DC को देखें, देखिए ये स्विचिंग होता है 0.0018 पर जाकर रुक जाता है, 0.0018, यानी कि ये जो है बोर्ड जो है वो
पावर्ड ऑन नहीं हो पा रहा है, बोर्ड जो है वो पावर्ड ऑन नहीं हो पा रहा है, यानी कि पावर ऑन हो रहा है लेकिन बोर्ड स्लिपवेल से बाहर की तरफ नहीं आ रहा है, ऐसा प्रतीक हो रही है। लेकिन हमें इसकी कन्फर्मेशन पुष्टिकरण करनी पड़ेगी। पहले हम इसको चेक करेंगे कि इस बोर्ड पे 19 वोल्ट पिन पास कर रही है कि या नहीं। पिन को चेक करने का सबसे आसान तरीका है किसी भी सेक्शंस के, आपको जाकर चेक कर लें। सो मैं बात कर रहा था कि विन को बोर्ड पे चेक करने का सबसे आसान तरीका है कि कहीं पर भी किसी भी पीडब्ल्यूएम के अपर मॉस्फेट के ड्रेन पे या अगर कॉइल है वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। देखिए, जब मैं जैसे चेक कर रहा हूँ 19.99 वोल्टेज आपको यहाँ पर मिल रही है, ये तो एक पॉइंट है। और अगर आप चाहेंगे तो शायद और भी आपको मिल जाएगा सेक्शंस, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर भी आप सेकेंड, नहीं यहाँ पर नहीं, ये वाला है 19 वोल्ट, यस ये वाला पॉइंट, यहाँ पर भी आपको 19.99 वोल्ट, यानी कि जो विन की जो एंट्री है वो डेफिनेटली ओके है। और जहाँ तक बात हमारी एलडीओ की है तो हम उसको भी चेक कर लेंगे, क्या 3 और 5 बन रहा है यहाँ पर, अभी तो कॉइल में नहीं है तो हमें स्विचिंग करना पड़ेगा। और मैं मल्टीमीटर को यहाँ से अभी दोबारा पावर ऑन करता हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने दोबारा पावर ऑन किया और अगर मैं देखूँ तो 5 वोल्ट बन रहा है, एंड 3 वोल्ट की जगह ये है शायद, नहीं ये है, 1 सेकेंड ऑफ हो गया, दोबारा पावर ऑन करता हूँ। सो हमारे को ये 3.3 वोल्ट है और ये हमारे लिए 5 वोल्ट है, यानी कि ये कॉइल जो है आपका 3.3 है, बिल्कुल बराबर है। ऑफ हो गया, फिर से ऑन करता हूँ और यहाँ पर दिखाता हूँ, ये आपको 5 वोल्ट है बराबर, ये आपको 3.3 वोल्ट है, यानी कि 3.3 5 वोल्ट बन रहा है, ये 1.5 वोल्ट आपकी नहीं बन पा रही है ड्यू टू, शायद मेरे ख्याल से आपको PCS से यानी कि SOC से आपका बोर्ड SLP S3 S4 शायद इस पे जनरेट नहीं होता होगा, शायद ऐसा प्रतीक हो रही है। तो इस तरीके के मसले में हम एक बार इसकी सारी कोल्ड टेस्टिंग भी कर लेंगे कि सभी कॉइल्स की जो वैल्यूज़ होती है उसको हम चेक कर लेंगे कि क्या वो बराबर हमारे को दिख रही है। यहाँ पर रैम की कॉइल्स 148 अक्रॉस या 373, इस कॉइल की वैल्यू आपको 5 लाइन में इस बोर्ड पे 5 लाइन पे इस तरीके का आपको मिलता है। एंड ये ग्राफिक्स की है, ऑलमोस्टली 43 इज़ फाइन, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 83 इज़ ऑल्सो फाइन, और यहाँ पर भी एक डीसी टू डीसी है, ये 1.126 है, ये फाइन, ये एसओसी की 1.04 की वोल्ट है, ये भी 0.058, ये भी सही है। बायोस का पिन नंबर 8 आपको यहाँ पर कहाँ गया, बायोस का पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ अगर आप देखेंगे सो बायोस की जो पिन नंबर 8 है, जो बायोस की पिन नंबर 8 है, इट ऑलमोस्टली शो मी 0.0002, यानी कि यहाँ पर आपको ये क्लू मिल गया कि बायोस का पिन नंबर 8 जो है, बायोस की पिन नंबर 8 जो है वो आपको बिल्कुल 0.002 दिखा रहा है। दैट मीन्स ये इंडिकेट कर रहा है आपको सीपीयू की शॉर्टिंग होने की संभावना। लेकिन क्या हम अगर इसकी और भी रिक्वायरमेंट देखें तो शायद हमें पता चले कि क्या ये बिल्कुल बरोबर सभी शॉर्टिंग है या नहीं है करके हम अगर देखेंगे, या किसी तरीके से हम इसको बचा सकते हैं तो हम देखेंगे। और हम जानेंगे कि सबसे इसकी आसान तरीका क्या होती है जब बायस की पिन नंबर 8 शॉर्ट होती है, तो हम किस तरीके से इसको हैंडल करना चाहिए। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि जब बायोस की पिन नंबर 8 एसओसी स्ट्रक्चर में शॉर्ट होती है तो ज़्यादातर इंजीनियर्स क्या करते हैं, उस लाइन पे 1 वोल्ट की इंजेक्ट करते हैं, कितनी 1 वोल्ट की इंजेक्ट कर देते हैं, 1 वोल्ट और 5 एम्पियर्स की इंजेक्ट कर देते हैं या 2 एम्पियर्स 3 एम्पियर्स की इंजेक्ट कर देते हैं। सो इससे जो एसओसी की बोर्ड है वो ऑलमोस्टली और डैमेज हो जाती है। ये आपकी विन की जो आपकी जो शॉर्टिंग का रिमूव करने का जो तरीका है बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है,
लेकिन जब एसओसी को चेक करने की बारी आती है, जब सेंसिटिव थिंग्स होती है, जैसे कि बायोस का पिन नंबर 8, आप सब जानते हैं कि जिस तरीके का अगर आप स्ट्रक्चर पे देखेंगे, इसका पिन नंबर 8 जो है आपका सीधा सीधा सीपीयू के साथ जो है कनेक्टेड रहता भी है, या फिर इसकी स्कीमाटिक हम देखेंगे कि इसकी बायोस की पिन नंबर 8 कहाँ पर लगी है, UC2। अगर हम देखेंगे स्कीमाटिक को ओपन करेंगे तो UC2 कहाँ पर है बोलकर हमें देखने को मिलेगा। सो वेट करते हैं कि पहले स्कीमाटिक को ओपन करते हैं और उसको सर्च करते हैं UC2 करके, ये आया कहाँ से है, हम इसको देखना चाहेंगे कि ये किसके द्वारा कनेक्टेड है। देखिए कि ये सिंपली 3 वोल्ट PCH के द्वारा कनेक्टेड है, 3 वोल्ट PCH के द्वारा ही कनेक्टेड है। सो ऑलमोस्टली जो है, अगर हम यहाँ पर 3 वोल्ट PCH को बैकट्रेस करें और पता करें, बैकट्रेस करें और पता करें, तो इसकी जो बर्थ प्लेस है वो कहाँ पर है पहले हमें उसको पता करना पड़ेगा। इसकी बर्थ प्लेस, ये भी बर्थ प्लेस नहीं है, यानी कि ये जहाँ से जनरेट होता है, यानी कि ऑलमोस्टली यहाँ से ये जनरेट होता है, इस सिनारियो से Q30 से ये जनरेट होता है। आप देख सकते हैं ये Q30 से ये जनरेट होता है, यानी कि यहाँ पर इसकी सोर्स से इसकी ड्रेन की तरफ जाता है, 3 वोल्ट ALW से ये 3 वोल्ट PCH बनता है। सो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये कैपेसिटर या इसकी दुनिया में कोई शॉर्टिंग है या क्या है। तो यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं, जैसे मैंने बोला था कि ये 3 वोल्ट PCH आपका एसओसी के साथ कनेक्टेड है, हालांकि इन एसओसी स्ट्रक्चर में इसकी बर्थ प्लेस यहाँ से है, कई अदर स्ट्रक्चर में बर्थ प्लेस जो होती है वो सीपीयू से आती है। सो लकीली ये बोर्ड शायद बन जाए, अगर जो जिसकी बर्थ प्लेस एसओसी से होती है, जिसकी बर्थ प्लेस बायोस की एसओसी से होती है, उसका बच पाना बहुत मुश्किल होता है। उसे आपको अपनी फिजिकल वेरिफिकेशन से अगर आप शॉर्टिंग रिमूव कर पा रहे हैं तो देन ओके, अगर आप वहाँ पर 1 वोल्ट इंजेक्ट कर रहे हैं तो ये आपके एसओसी के लिए और नुकसानदायक होता है। सो मैं यहाँ पर चलता हूँ, मैं यहाँ पर वही पुराना फार्मूला का इस्तेमाल करूँगा, ओल्ड फार्मूला का, कि मैं यहाँ पर सबसे पहला जो मेरा जो सबसे फेवरेट फार्मूला है कि आप यू हैव टू बी चेकआउट द फर्स्ट ऑफ द थिंग्स, यू हैव टू बी चेकआउट विथ योर फिजिकल वेरिफिकेशन। सो काफ़ी बार क्या होता है, बोर्ड में जो फिजिकल वेरिफिकेशंस होती है वो ऑलमोस्टली जो होती है आपको क्या करती है, आपको हेल्प करती है इस तरीके के बोर्ड से आपको शॉर्टिंग निकालने के लिए। कई जगह इस बोर्ड पे वर्कआउट हुआ है, हालांकि ये काम करके आया है, और अगर ये बोर्ड आज रिपेयर भी हो पा रहा है तो इसकी क्रेडिट मैं नहीं, इसकी क्रेडिट जो है ये इस बोर्ड की स्कीमेटिक को जाएगी। और जैसे पूरी इंडिया जानता है कि LS C701 D704, हमारी इंडियन अवेंजर्स की टीम ने करीब 1 साल पहले LS C701 को रिलीज़ किया था और AFA सॉल्यूशंस भी रिलीज़ किए थे, और इसी तरीके का आज भी LAD704, F15431, वेगा स्टोरेज, लोकी लोकी को इंडियन अवेंजर्स की टीम ने पूरी वर्ल्ड के लिए फ्री में सेमिनार पार्टिसिपेंट्स को दिया और बाकी के मेंबर्स के लिए भी वो अवेलेबल है। तो ये पूरी क्रेडिट स्कीमाटिक को जाएगी। अगर स्कीमाटिक ना होता तो शायद इस बोर्ड को रिपेयर कर पाना मेरे लिए या किसी के लिए भी इतनी आसान नहीं होती। तो Q30 को अगर हम चेक करें तो अगर हमें जो जैसे क्लू मिला है कि Q30 के तरफ से ये वर्थ होती है, तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो Q30 जो अगर आप देखेंगे तो Q30 आपको यहाँ पर मिलेगी, Q30 यहाँ पर आपको मिलेगी, और नियरेस्ट में यहीं पर भी वो कैपेसिटर्स है। सो हम चेक कर सकते हैं या तो फिर हम इंजेक्ट करेंगे। तो पहले जो है ना, मैं उसको वेरिफिकेशंस करूँगा केयरफुली कि क्या यहाँ पर कोई किसी भी तरीके की बर्निंग की चांसेस या फिजिकल कोई तरीके की प्रॉब्लम्स हुई हो। जैसे मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, अगर मैं आपको दिखा सकूँ, एक सेकेंड, यहाँ पर ये जो Q30 है ये बिल्कुल ही आपकी बर्न हो चुकी है। मैं देख पा रहा हूँ Q30 जो है आपकी बर्निंग हो चुकी है। अगर आप देखेंगे देखिए यहाँ पर Q30 जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से बर्न हुआ है। अब यहाँ पर देखना है कि हमें पहले Q30 को रिमूव करना होगा। सबसे पहले हमारे को Q30 को रिमूव करना होगा, क्योंकि
दैट इज Q30 को रिमूव करने के बाद अगर हमारी शॉर्टिंग जो है रिस्पेक्टेड टू ग्राउंड की वैल्यू अगर घट गई मतलब सॉरी बढ़ गई देन शायद ये लकी लिए बोर्ड हो सकता है, अगर नहीं बढ़ी तो मेरे को नहीं लगता है कि ये बोर्ड चांसेस होगी कि होने की। तो आइए पहले इसको रिमूव करते हैं, सबसे पहले इसको रिमूव कर लेते हैं। रिमूव करने के लिए मुझे ब्लोयर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर Q30 को रिमूव कर चुका हूँ। सो अब मल्टीमीटर से मैं चेक करूँगा कि क्या मेरा जो उसके सोर्स ड्रेन दोनों जो है वो क्लियर हो गई है या पिन नंबर 8 बायस का वो क्लियर हो गया है। सो अगर यहाँ पर देखना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 0.00 अभी भी है और ये 460 है, यानी कि अभी भी जो है हमारा ये जो Q30 को रिमूव करने के बाद भी हमारी यहाँ से इम्पीडेंस जो है रेस्पेक्ट टू ग्राउंड की वैल्यू अभी भी 0.002 शो कर रही है। सो अब मेरे को दूसरा फार्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यहाँ पर इंजेक्ट करके हम पता करेंगे कि कौन सी कंपोनेंट हीट हो रही है। तो पहला फार्मूला हमारा था कि हम उसको फिजिकल वेरिफिकेशन करें और फिर उसके बाद आगे उसके तहत हम बढ़ें। यहाँ पर कुछ दिख रहा है, एक कोई किसी तरीके की आवाज़ दे रही है, मतलब एक कुछ दिख रहा है मेरे को कि ये जलने जैसा लग रहा है मेरे को। मैं इसको देखना चाहूँगा स्कोप पे, माइक्रोस्कोप पे देखना चाहूँगा, शायद ये मेरे लिए क्लू हो सकता है। इट मे बी, अगर मैं यहाँ देखना चाहूँ तो हाँ, यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर्स आपको ब्रेक होता हुआ मेरे को नज़र लग रहा है। देखिए ये जो कैपेसिटर्स है यहाँ पर, देखिए लकीली ये मेरे को मिल रहा है कि ये कैपेसिटर्स यहाँ से क्रैकिंग हुई है। सो ऑलमोस्टली इस कैपेसिटर्स को भी मेरे को रिमूव करना पड़ेगा, हालांकि नहीं मालूम ये कैपेसिटर कौन सी लाइन की है। सो फिर भी मैं इसको रिमूव करता हूँ। और अगर मैं इसकी वैल्यूज़ को देखना चाहूँगा इस कैपेसिटर्स की, अगर आप मल्टीमीटर पे देख रहे होंगे तो 0.007003, और अगर मैं यहाँ पर अगर इस बायस की पिन नंबर 8 को अब चेक कर रहा हूँ तो ऑलमोस्टली ऑल इस सक्सेसफुली कि यहाँ पर पिन नंबर 8 जो है वो मेरा बायस की जो पिन नंबर 8 है वो मेरा सक्सेसफुली इम्पीडेंस अब जो है रिस्टोर होता हुआ मुझे दिख रहा है। सो अब मैं ज़्यादा देर नहीं करूँगा, अब बहुत ही लकी हूँ या शायद ये कस्टमर बहुत लकी होगा जिसका बायस की पिन नंबर 8 शॉर्ट होने के बावजूद हम इंजीनियर्स के दिमाग में ये बैठा रहता है कि बायस की पिन नंबर 8 अगर शॉर्ट हुई दैट मीन्स अब वो बोर्ड होने की चांसेस जो है ना नहीं रहती है। लेकिन मेरी यही सजेशंस है, प्रैक्टिकली हर चीज़ डिफरेंट होता है। ये केस मैं आपको दिखा रहा हूँ, हो सकता है आपके एंड पे पिन नंबर आठ बायस का शॉर्ट रहे और शायद आपकी SOC भी शॉर्ट हो जाए, शायद आपको लकीली Q30 भी शॉर्टिंग मिले। और जहाँ तक LSC701 की बात है, इसकी टिपिकल प्रॉब्लम Q30 सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जो कि PCH की 3.3 वोल्ट की सप्लाई है, एंड ये सबसे ज़्यादा इस बोर्ड में प्रॉब्लम होता है जिसके कारण से इंजीनियर्स को लगता है ये तो जला हुआ था जो मेरे को दिख गया। लेकिन इसमें क्या होता है, जब आपको 3 वोल्ट PCH अगर आपको CPU पे नहीं मिलेगा तो ये CPU जो है SOC जो है वो आपका मतलब आपका SLP स्लिप वेल से सस्पेंड वेल से बाहर की तरफ नहीं आएगा, और जब सस्पेंड से बाहर नहीं आएगा तो डेफिनेटली S3 S4 जनरेट नहीं होगा। जब S3 S4 जनरेट नहीं होगा तो बोर्ड पे DC to DC कन्वर्ट नहीं होगा, आगे की कार्रवाई नहीं हो सकती है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादातर हम क्या करते हैं, जब तक आयरन गर्म हो यानी कि ये थर्मल इसकी हीट हो, सो मैं सोर्स टू ड्रेन डायरेक्ट कनेक्ट कर देता हूँ। अभी मेरे पास पी चैनल की मॉस्फेट है ही नहीं, सो
मेरे को एक ही काम करना होगा यहाँ पर, इसको जम्पर दे देता हूँ, देखेंगे जब काम बन जाए तो फिर हम उस पर मॉस्फेट ढूंढ निकाल कर डालेंगे। फिलहाल तो अभी मेरे को जंपर से वर्कआउट करना पड़ेगा सोर्स टू ड्रेन कनेक्ट करके हम। सो आइए चलते हैं, देखते हैं कि क्या हमारे को कोई रिजल्ट मिल पाया है या नहीं मिल पाया है। जैसे कि मैं यहाँ पर अभी अभी मैं माइक्रोस्कोप को रिमूव कर लेता हूँ और मैं दोबारा यहाँ पर आपको पावर देता हूँ, और आप अगर मीटर की रीडिंग देख सकते हैं जो डीसी रीडिंग 0.009 एंड 1 सेकेंड बैक टू द पेविलियंस, मतलब ये 1 सेकेंड इसकी स्टेज को आ गया डीप स्लीप वेल के लिए, इंफॉर्मेशन अब ये कलेक्ट कर लिया है। अब उसी तरीके का अगर आप देखेंगे यहाँ पर, अब मैं पावर बटन को प्रेस करता हूँ, आप मीटर रीडिंग को देखें क्या सक्सेसफुल कुछ हुआ, सॉरी देखिए, अब मैं इसको प्रेस करता हूँ, कोई सक्सेस मेरे को नज़र नहीं आता है। और जहाँ तक यहाँ की सवाल है, यहाँ पर 3.3 वोल्ट आ रहा है लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बोर्ड अभी भी पावर ऑन नहीं हो रहा है। सो टिल इट डिड नॉट पावर ऑन, यहाँ पर हम दोबारा इसको पावर ऑन करेंगे, हम देखेंगे कि दोबारा इसको पावर ऑन करेंगे लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी भी ये पावर ऑन नहीं हो पा रहा है। मतलब दो प्रॉब्लम सस्पेक्टेड, दो चीज़ को रिमूव करने के बावजूद इट डजंट पावर ऑन टिल नाउ। सो यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि क्या अब ये बोर्ड बनेगा या इसको हम एसओसी की खराबी मानकर मतलब इस बोर्ड को यहाँ से इसे रिटर्न कर दें, या ऐसी कोई हमारे पास और भी मतलब एडवांस लेवल की नॉलेज है जिसकी माध्यम से हम ये तय कर सके कि हाँ भाई ये बोर्ड रेडी हो सकता है। तो एक और बार हम ट्राई कर लेते हैं कि शायद हमें मतलब एक सुझाव मिल जाए, एक मौका मिल जाए काम करने का, कि हम इसकी आरटीसी को एक बार रीसेट कर लें। हम आरटीसी को क्या करें, एक बार रीसेट कर लें, यानी कि सीमोस सेल निकाल लें और इसको हम क्या करें, इसको हम शॉर्ट कर दें। और ज़्यादातर इस बोर्ड में भी आरटीसी की फेलवर आती ही है, और जैसे अगर आप देखेंगे मैं इस दोनों पॉइंट को शॉर्ट कर रहा हूँ ट्यूजर से, इसको और इसको दोनों को भी शॉर्ट कर रहा हूँ, और एक और बार कोशिश करूँगा कि शायद हमारा काम बन जाए। पावर दिया, यहाँ पर लाइट जली, अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर लाइट जल रही है, और अब मैं इसको पावर ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ। लकीली, वेरी लकीली, लकीली मैं यही गेस कर रहा था कि इसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि जब भी जो एसओसी के आर्किटेक्चर्स की बोर्ड हो या किसी भी आर्किटेक्चर्स की बोर्ड हो, जब 3.3 वोल्ट की शॉर्टिंग होती है या 5 वोल्ट की शॉर्टिंग होती है, जब 3 वोल्ट या 5 वोल्ट की शॉर्टिंग होती है तो एट दैट टाइम में क्या होता है, कुछ बोर्ड्स में प्रोटेक्शंस की इनबिल्ट कैपेबिलिटीज रहती है, तो दैट टाइम वो क्या करता है, सीपीयू एसओसी जो है अपने आप को प्रोटेक्ट। मैं आप सब दर्शक के लिए बता देना चाहता हूँ कि इसकी सेंटर पिन की ओरिजिनल अडाप्टर जब आप कनेक्ट करेंगे देन ये बोर्ड डेफिनेटली गेटिंग पावर ऑन कंडीशंस पे आ जाएगा, और यही वजह है हम थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाते हैं जिसके कारण वर्ष हमारे को बोर्ड रिपेयरिंग करने में दिक्कत की सामना करनी पड़ती है। बोर्ड रिपेयर करना बहुत आसान बात है और बहुत ईजीएस्ट मेथड है अगर हम अपनी बातों पर टिके रहें, मतलब हमने जो सीखा या हमने जो जाना, हमने जो प्रैक्टिकल किया, हमने जो थ्योरी को प्रैक्टिकल में कन्वर्ट किया, अगर हम उस पर टिके रहते हैं तो डेफिनेटली वर्कआउट जो है वो बहुत आसान हो जाता है। अगर हमारी माइंड फ्लिकर्ड होने लगे, अच्छा उसके यूट्यूब चैनल पे ऐसा आया था, उन्होंने ऐसा किया था, ऐसा किया था, ऐसा किया था, फलाना ने ऐसा बोल रहा था, हमका ने ऐसा बोला, डेफिनेटली आपके बोर्ड, आपकी टेबल से बोर्ड रिटर्न जाने वाली ही है। जैसे ही कुछ कुछ मिनटों पहले मैंने आपको इस बोर्ड पर लाइव लिख करके दिखाया,
इस बोर्ड मैंने पकड़ा और टेस्टिंग करने बैठ गया। सो जो मैंने आपको दिखाया कि वन बाय वन एक Q30 आपका शॉर्टिंग मिलता है, कैपेसिटर बाई मिस्टेकली मेरे नज़र में आ गया तो मैंने देख लिया तो वो शॉर्ट है, तो मैंने उसको रिमूव कर लेने के बाद फिर भी मेरी जो एक आस थी कि शायद ये बोर्ड ना हो सके, तो एक जो जो मेरी प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस थी एंड जो मेरी मेरी जो अंदर की जो जज्बा थी वो यही बोल रही थी कि आप एक बार RTC रीसेट को क्लियर ही तो कर लो। सो जो SOC के लिए इस जो प्रैक्टिकल स्टडी से मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जब भी आप SOC आर्किटेक्चर को वर्कआउट करते हैं, डेफिनेटली जब आप बायोस को फ्लास करते हैं या 19 वोल्ट शॉर्ट सर्किट का वर्कआउट करते हैं या किसी भी तरीके का आप बोर्ड को वर्कआउट करते हैं, तो मेरी एक राय आप सबके लिए है कि आप पहले CMOS रिमूव करें एंड देन RTC जम्पर को, RTC रीसेट की जम्पर को आप शॉर्ट करके उसको क्लियर करें, देन डेफिनेटली आपको 60-70% बोर्ड जो है ना वो रिजल्व होते हुए कगार में मिलेगी, अदर नहीं है। सो दूसरी जो संदेश है आज के लिए, आज के डेट में पूरी विश्व जो है वो कोरोना वायरस से प्रेरित है। हालांकि मैं मास्क लगाया हूँ और बात नहीं कर पा मास्क लगा के बात नहीं कर पा रहा हूँगा, इसलिए मैंने मास्क रिमूव किया और रूम से सबको जाने की इजाज़त दिया हूँ, सब रूम पे कोई नहीं है। सो मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे जो SKV ऑनलाइन क्लासेस के स्टूडेंट जुड़े हैं या मेरे साथ जितने भी बाहर के बंदे जुड़े हैं या जो भी हैं हमारी चिप लेवल एक्सपर्ट की दुनिया में जो भी काम करते हैं, मानता हूँ कि हमारे लिए ऑफिस बंद करना एक मतलब डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। हम अपनी रोजी रोटी की तलाश में रहते हैं और हालात बहुत गंभीर है इंडिया में और पूरी विश्व में, तो अगर हम ऑफिस की छुट्टी नहीं भी कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट हमें ग्लोव्स पहनकर और मास्क पहनकर रहने की हमें कम से कम कोशिश करना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादातर मास्क जितनी वैल्यूबल नहीं है, अगर आप इन्फेक्टेड नहीं है जुकाम से, सर्दी से, खांसी से, तो आप मास्क अगर पहन भी नहीं पा रहे हैं तो आप डेफिनेटली ग्लोव्स का इस्तेमाल करें। हमारे लिए ग्लोव्स का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है आपके दौर में, मतलब इस कोरोना वायरस की टाइम में। मेरे तरफ से यही आप सबके लिए सुझाव है और ये वीडियोस देखकर आप अपना और नॉलेज को बढ़ाएं और कोरोना वायरस के लिए अपने कोरोना वायरस से अपने आप को सतर्क रखें, अपने आप को सुरक्षित रखें। और सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा बात जो है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बताए हैं कि 22 तारीख को संडे संडे को जो है जनता कर्फ्यू, उसकी भी पालन करें। और मैं तो बोलता हूँ कि हमारे लाइन के बंदे कम से कम एक दिन नहीं 2-3 दिन जनता कर्फ्यू मनाएं, कम से कम उसको जनता कर्फ्यू की माने और कोरोना वायरस से फाइट करने की कोशिश करें। और इसी तरीके से छोटे छोटे ट्रिक से बोर्ड को रिपेयर करें। और ज़्यादा मेरे को देखिए स्कीमाटिक की कितनी ज़रूरत पड़ी, स्कीमाटिक की ज़रूरत मेरे को सिर्फ इसलिए पड़ी कि मैं उस लाइन को ट्रेसिंग किया, स्कीमाटिक की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ी कि इस बोर्ड में फॉल्ट क्या है पकड़ने के लिए। बोर्ड को ट्रेसिंग करने के लिए स्कीमाटिक की ज़रूरत पड़ी, फॉल्ट को पकड़ने के लिए नॉलेज, अपना दिमाग, अपना हुनर, अपना स्टाइल, अपना कॉन्फिडेंस की ज़रूरत पड़ी। बस स्कीमाटिक एक माध्यम है जो आपको बैकट्रेस करके किसको किसके साथ कनेक्शन है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग को समझने के लिए स्कीमाटिक की रिक्वायरमेंट होती है, लॉजिक को पढ़ने के लिए कि कौन से लॉजिक कहाँ कहाँ जुड़े हुए हैं और किस तरीके से जुड़े हैं, बस उसको समझने के लिए ये लगी हुई है। सो बहुत बहुत धन्यवाद मेरी यूट्यूब चैनल को देखने के लिए। मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि मेरी वीडियोज़ को लाइक करो, सब्सक्राइब करो या कुछ भी करो, ये आपकी ओपिनियन है, आपकी चॉइस है, मैं कौन होता हूँ आपको ज़बरदस्ती बोलने वाला। अगर आपको पसंद भी आता है तो डिसलाइक मार दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और मेरा ये YouTube के जरिए वीडियोस लाने का एक ही मुद्दा है, इससे कोई पैसा कमाने का मेरे को मकसद नहीं है, एक ही मुद्दा है। मैं बहुत YouTube चैनल्स को देखा हूँ, बड़ा अजीबोगरीब वीडियोस बनाते हैं, कोई प्रॉपर वे में नहीं आते हैं। मेरी बस ये खास है कि हमारे इंडिया में जो जो लोग हमारे दुनिया में जुड़े नहीं हैं, अलग से दुनिया में हैं और वो कई बार यूट्यूब को फॉलो करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स को रिपेयरिंग की दुनिया में, लैपटॉप की रिपेयरिंग की दुनिया में आए हैं लेकिन रिपेयरिंग नहीं कर पा रहे हैं, ये वीडियोस उनके लिए मदद होगी। सो ये इस तरीके का वर्कआउट कर सकते हैं, ये भी एक टिपिकल प्रॉब्लम में माना जाता है। और मैं बाकी ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। सो इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, नमस्कार, सत श्री अकाल, बाय बाय।